अचानक ही गिफ्ट मिला और हमें सोचा ही नहीं था भाई इस तरीके से, मतलब अचानक गिफ्ट आएगा। आपने हमारे साथ धोखा किया है और आपने जो है ना हमें घर बुला के बेइज्जत किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा, सुबह सुबह का टाइम है जी और तकरीबन 8 का टाइम हो चुका है और सूरज जो है वो निकल आया है और सेहन में इतनी ज़्यादा तपिश है क्योंकि एक तो सूरज की तपिश, ऊपर से जब ये नीचे मतलब सूरज लगता है ना, ये फर्श जो है वो गर्म हो जाता है, तो इसकी तपिश इतनी ज़्यादा है कि दिल ही नहीं कर रहा बात करने को भी। और कुछ तबीयत में इतनी सुस्ती पैदा हो चुकी है कि एक तो रात को मैं काफ़ी लेट सोया हूँ तो मच्छर की वजह से, और दूसरा ये भाई वैसे नींद नहीं आ रही थी। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है तो हमने कभी व्लॉगिंग शुरू करते हैं। बेगम सलाम ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बड़े बेटा, ठीक हो? मैं देखा खादिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। ते अच्छा नाश्ते ना कितने दिन देना मुतरू बदरन उदू ना ना दे मोरे तकलीफ बहुत ज्यादा बात गई है। मैंने अगे कितनी बार इनन मां के बतू सुना ये एड्रेस हम करवा लो या कोई चंगी मुस्तकिल दवाई करो, मुस्तकिल दवाई करें ना सारा रात में सुते है मच्छर दी वजह तो तकलीफ दी वजह। उसकी वजह ये है भाई, जो है ये कमर के है ना मोरों का, तो इसका कहते हैं जी कुछ ना मतलब वो टेस्ट वगैरह होते हैं तो उस पर काफ़ी खर्चा आता है, उसके लिए ना फैसलाबाद जाना पड़ता है, कम से कम 32-34 हज़ार रुपया खर्चा आता है। तो जब होंगे तो फिर करेंगे, फिलहाल जो है ना वो होडेट्रॉन की गोलियाँ कुछ इस तरह की मेडिसिन वगैरह जो है वो लेके ना उस पर गुजारा करते हैं। तो रात को वैसे भी मच्छर बहुत ज़्यादा था और उसके अलावा सुस्ती कुछ अजीब सी हो रही है तबीयत ना। अच्छा जी, एक चीज़ और बताएं भाई, हमारे यहाँ 2-4 दिन पहले जो है ना कुछ मेहमान आए थे और हमने खैरात वगैरह भी की थी पिछली वीडियो आपने देखी होगी, उसमें हमने खैरात वगैरह भी की थी। तो उसमें एक हमारा मेहमान जो है ना वो रूट गया था और कुछ हमारी गलती थी कुछ उसकी गलती थी, वो रूट गया था और वो हमारे घर के बिल्कुल पास आ गया था, यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले तक वो पहुँच गया था, लेकिन वो हमारे घर पे नहीं पहुंच सका। हमने उसको मना कर दिया कि हमारे घर पे ना आए, उसकी वजह क्या बनी है? वो इस तरीके से हमने मना किया था कि हमें पता चला कि वो उसने पहले कॉल मैंने कॉल की और मैंने कहा कहाँ पे हो, तो उसने कहा भी मैं घर से निकल रहे हूँ ना। तो मैंने कहा उस टाइम तकरीबन 10 का टाइम था, मैंने 10 बजे का टाइम सबको दिया था कि 10 बजे मेरे घर पर पहुँच जाए ताकि 11 बजे हम लोग जो है ना सबको खाना वगैरह इकट्ठा खिला सके। अच्छा, उसने मुझे बोला कि मैं 10 बजे, जब उससे बात हुई तो उसने कहा 10 बजे मैं घर से निकल रहे हैं हम लोग ना, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप आ जाएं। अच्छा, तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था और तकरीबन काफ़ी दोस्तों ने, काफ़ी जो हमारे यूट्यूबर है जो हमारे बहन भाई घर पे आए हुए थे, उन्होंने खाना वगैरह खा लिया था और मैं काफ़ी मसरूफ था। तो तकरीबन 11:30 बजे करीब दोबारा उसकी कॉल आई और उसने कहा भाई हम लोग अच्छा मेरे मुझे उन्होंने ये बोला भाई हम लोग ना रिक्शे में बैठने लगे हैं। अच्छा, तो मुझे गुस्सा आया भाई, अभी 11:30 का टाइम हो गया है तो 11:30 बजे कौन सा टाइम है, जब हमने 10 बजे का टाइम लिया था 11:30 बजे, अभी वो रिक्शे में बैठेंगे, वो आते आते उनको 2 बज जाएंगे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई आने की कोई जरूरत नहीं है, आने कोई थकावट ना सबको हुई थी, कुछ ना उसने गुस्सा चढ़ा हुआ था भाई, इतने मैंने 10 बजे को सबको टाइम दिया था वो अभी तक नहीं आया, अभी 11 बज गए थे, अभी बोरे में आ दो ना रिश्ते पे चढ़ रही, वो रिश्ते पे नहीं चढ़ी थी लेकिन वो ना रश के ना उतरी हुई थी, तो ना तेरे को ये लगा भाई वो ना भी रिश्ते पे चढ़ रही है, इसलिए ना तेने बोला भाई आप ना वापस चली जाओ, मैं नहीं आपको लेने आ रहा, और बेचारी वापस चली गई। इतना दुख लगा, इतना अरमान मुझे नस ने बाद में आपके नस ने बताया था मुझे भाई ना वो वापस चले गए हैं भाई, वो आए नहीं है। मैं उनको बोला था यार 10 बजे का टाइम दिया था वो, अभी 11 बज गए, अभी वो कह रही है मैं आ रही हूँ, अभी रश के पे चल रही, मैंने मना कर दिया ना। तो वो ना फिर रात को दूसरा किया, उसने कमेंस किया, उसने बोला मैं तो आपको ये नहीं बोला था, मैं तो ये बोला था भाई मैं रश के पे नीचे उतर हुए मुझे घर बताए घर को देखना घर करना पता था। उसने मुझे कॉल जब की ना तो उसने कहा 11 बजे 11:30 बजे, तो मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं आना, लेकिन बाद में मुझे ये पता चला है भाई उसने मुझे ये नहीं बोला कि मैं रक्षे में बैठे, उसने ये बोला था भाई हम रक्षे से उतर गए हैं और उतरे कहाँ पे, जहाँ पे हमारा घर है उससे 1 किलोमीटर के फासले पे वहाँ पे अड्डा था, वहाँ पे वो उतर गया। तो मैं ये समझा भाई वो कह रहे हैं, फिर मैंने पूरी बार मैंने कहा भाई आप ऐसा करें आप नहीं आए, उन्होंने बोला ठीक है भाई हम लोग नहीं आते। तो मैंने समझा भाई वो भी मतलब कि अब भी वो घर पे ही हैं जो नहीं आ रहे, तो मुझे तकरीबन 1/2 घंटे 1/4 घंटे के बाद मैसेज आया और उन्होंने कहा भाई आपने हमारे साथ धोखा किया है और आपने जो है ना हमें घर बुला के बेइज्जत किया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा झटका लगा, तकलीफ़ हुई कि वो इसका मतलब है वो पहुँचे हुए थे
तो मेरी मिस्टेक हुई है या जो समझे भाई मेरे सुनने में और उनके बताने में कोई फर्क लगा है, तो जिस वजह से वो मेरे घर के पास से आके वापस चले गए, क्योंकि उनको घर का तो पता नहीं था। तो बहरहाल बहुत तकलीफ हुई हमें, और उन्हें तो तकलीफ होनी थी भाई, और वो कहने के भी हकदार थे कि हम लोग धोखेबाज हैं, फ्रॉडी हैं, और घर में बुला के हम लोग दरवाजे से उनको भगा देते हैं, तो ये उनका भी हक बनता था भाई, इतना इस तरीके से कहते। लेकिन वो दोनों पार्टियों को जो है ना मिस्टेक हुई। तो फिर मैंने रात को फिर उसके बाद मैं काफ़ी उनको कॉल करता रहा, उन्होंने गुस्से में मेरी कॉल नहीं उठाई। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने मैसेज भी करता रहा, तो बड़ी मुश्किल से मैंने फिर उन्हें मनाया कि सिर्फ मेरी एक मरतब बात सुन लें, उसके बाद बेशक आप मतलब मेरे से बात ना करें। हर एक यूट्यूबर नहीं है, तो उन्होंने मेरे घर में फर्स्ट टाइम आना है, गरीब से हैं, और दूसरी बात ये है भाई बहुत ज़्यादा गरीब है ना, अल्लाह पाक उनको इस दोस्त से नवाजे। उनकी वालदा बीमार रहती है, उनकी बहनें जो हैं वो मतलब वो माजूर भी हैं, उसके अलावा जहनी मरीज़ भी हैं। तो बहरहाल जी उनका मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ भाई, एक गरीब है और बेनतहा गरीब हैं, और उनके घर में खाने पीने को कुछ नहीं होता, और उनको मैंने दावत दी और वो हतक हो गई उनकी, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। मैंने उनसे फिर बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट की भाई यार मेरी एक मरतबा कॉल सुन लें। उन्होंने मेरी कॉल खैर जब उन्होंने अटेंड की, तो मैंने फ़ौरन यही बात पूछी उनसे भाई क्या आप लोग यहाँ पर पहुँच गए थे, उन्होंने कहा हम लोग पहुँच गए थे। तो मैंने उनसे माजरत की और बड़ी मुश्किल से फिर मैंने उनको मनाया, फिर मैंने उनको बताया भाई मेरी सुनने में फ़र्क आ गया, आपने शायद बताने में कोई फ़र्क रखा और नहीं रखा, लेकिन मेरे सुनने में ये मुझे पता चला अभी आप घर से अभी नहीं कर रहे हो। तो बहरहाल उनको मैंने मनाया बड़ी मुश्किल से, फिर उनको मैंने आज की दावत दी हुई, आज वो वहाँ से 10 बजे निकलेंगे, तो इंशाल्लाह वो भी पहुँच जाएंगे। तो उनके लिए आज स्पेशल जो है ना उनकी दावत कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर ये मुझे बोला भाई हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे, आप लोगों ने कुछ भी नहीं बनाना, हमें कहा नहीं बनाना है, लेकिन आपने खुद आकर बनाना है, आपके हाथ मुझे लगता है वो अभी भी गुस्से में है ना, अभी भी उसको नहीं समझ आ रही है भाई ये हम लोग तो भूल गए थे कि आप नहीं। नहीं वो रात को मेरी बात हुई काफी देर, तो बहरहाल उन्हीं के मैंने तो काफी मतलब मेरी सोच थी भाई मतलब काफी कुछ बनाते जितनी मेरी औकात है, लेकिन उन्होंने बोला भाई हम लोग खुद आएंगे, तो हम लोग खुद अपने हाथों से बनाएंगे। तो बहरहाल वो 10 बजे उन्होंने बोला था हम लोग निकल आएंगे, तो जैसे अभी तकरीबन 9 बज रहे हैं 8 बज रहे हैं 8:30-9, तो 10 बजे वो निकलेंगे, उतनी देर अपना किचन वगैरह साफ सुथरा कर लो। वो खुद कह रहे थे भाई हम लोग अपनी मर्जी का कुछ बनाएंगे जो भी बनाएंगे, तो बहरहाल जो भी बनाएंगे तो वो खुद आके मतलब आज भी पहले भी मैं नाराज है, अभी नाराज हो के जाए, मैं तो बहुत दुखी हो रही थी इतना सफर करके वो आए तो वो चले गए ना, बहुत दुख लगा। तो बहरहाल जी मेहमान आ रहे हैं 10 बजे वो पहुंच जाएंगे, तो उनके लिए मैं ये सोच रहा था भाई बिरयानी बनाते हैं, तो वो कह रहे थे भाई हम लोग खुद बनाएंगे जो भी बनाना है। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ भाई उन्होंने मतलब के हो सकता है वो कहें भाई हम लोग कुछ भी नहीं खा रहे, तो मैं ये चाह रहा हूँ भाई हम लोग चावल वगैरह लेके रख लेते हैं, गोश्त वगैरह लेके रख लेते हैं, वो दूसरे आलू भी पड़े, प्याज भी पड़े, टमाटर मिर्च भी पड़ी, हाँ वो लेके रख लेते हैं, ताकि वो आके अगर वो गोश्त रोटी बनाना चाहे वो बना लेंगे, चाहे बिरयानी बनाना चाहे बिरयानी बना लेंगे, कुछ और बनाना चाहे तो फिर वो इंशाल्लाह वो ले लेंगे। अल्लाह पाक करम करे, बारह जी उनका इंतजार करते हैं, अल्लाह करे वो आ जाए। मेहमानों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम लोग रास्ते में हैं और वो वहाँ से निकल चुके हैं, तो मैंने कहा मैं उनसे आने से पहले पहले मैं सौदे वगैरह लेके आ जाऊँ, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा तो मोटरसाइकिल जो है ना वो पंचर हो चुका है, और दूसरा जो है मोटरसाइकिल में जो है पेट्रोल वो लीक हो गया, ये देखें सारा ये टंकी जो है ना ये लीक है यहाँ से, ये देखें ये यहाँ से टंकी लीक है और सारा नीचे पेट्रोल पेट्रोल गिर गया, ये पता नहीं कैसे लीक हो गई, इसकी समझ कुछ नहीं आ रही ना। तो चलते हैं जी पंचर लगवाते हैं, उसके बाद जो है सौदे लेके आते हैं। यहाँ पर जो है मैं पंचर वगैरह लगवा रहा हूँ, और यहाँ पर जो है ना 12 रबीउल अव्वल के जो है ना वो मिलाद की तैयारी कर रहे हैं, और देगे वगैरह जो है वो बन रही हैं माशाल्लाह, लंगर का इंतज़ाम जगह जगह हो रहा है, मैंने पहले पीछे भी काफ़ी देखे हैं, और यहाँ पर भी लंगर का इंतज़ाम हो रहा है माशाल्लाह। अल्लाह पाक जी सबका अल्लाह के रस्ते में दिया हुआ कबूल फरमाए। पंचर वगैरह मैंने लगवा लिया, तो अब मैं जा रहा हूँ जी शहर, वहाँ से सौदे वगैरह जो है वो लेते हैं, और उसके बाद मेहमानों का इंतज़ार करते हैं, वो कितनी देर में आते हैं, तो उनको भी यहाँ से लेके जाना है। माशाल्लाह जी घर में पहुँच चुका हूँ, और मेहमान तो खैर नहीं आए, लेकिन जैसे मैं बाज़ार में पहुँचाऊँ तो एक दोस्त मिल गया, उसने गिफ्ट किया है, और गिफ्ट जो है ना मेरे बेटे के लिए किया, तो मैंने कहा चलो पहले वो आपको दिखा दूँ गिफ्ट जो है ना वो मैं ले कर आ चुका हूँ, और
गिफ्ट में क्या क्या है वो आपको बल्कि अभी नहीं दिखाता, फ़िलहाल जो है ना मैं वो बैठक से ना कलीन वगैरह निकाल लेते हैं, मेज़ वहाँ पे रखते हैं और उसके बाद दिखाएंगे भाई हमें गिफ्ट क्या क्या मिला है। और अचानक ही गिफ्ट मिला है और हमें सोचा ही नहीं था भाई इस तरीके से, मतलब अचानक गिफ्ट आएगा। और गिफ्ट बहुत बड़े हैं यार ये, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़े हैं। पर फिलहाल बैठक की वो वहाँ से कलीन वगैरह निकालते हैं तो ये मेज़ वहाँ पे रखते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं। कलीन वगैरह जो है ना कलीन निकाल देते हैं, कलीन रखते हैं उस कमरे में ताकि बच्चे जो है ना ऊपर लेट सकें बैठ सकें। और ये कलीन इन लोगों ने बिछाया भी उल्टा है, ये देख उल्टा बिछाया हुआ है। नहीं उल्टा तो नहीं, उल्टा है यार, देख नीचे वाला भी देख ऊपर वाला भी देख, उल्टा कलीन बिछाया हुआ है। तो कलीन रखते हैं जी उस कमरे में, इस कमरे में मेज़ रखते हैं, कुर्सियाँ रखते हैं। और यहाँ पर सजा के फिर आपको दिखाएंगे, यहाँ पर गिफ्ट जो है ना वो यहाँ पर सजा के आपको दिखाते हैं। कलीन वगैरह जो है वो हमने निकाल दिया है, यहाँ पर टेबल रख दिया है और ये कुर्सियाँ कुछ इस तरीके से रखी हैं यहाँ पे। और ये आपको मैं दिखाऊं भाई क्यों रखी है, असल में ये टेबल भी मेरा नहीं है, कुर्सी भी मेरी नहीं है, ये सारी आपको पता है मैं उठा के लाया था अपने ऑफिस से क्योंकि वहाँ पे ख़राब हो रही थी, तो मैं उठा के लेके आया, मैंने कहा चलो मेरे कुछ दिन काम आ जाएंगे, जब उनको ज़रूरत होगी उनको दे देंगे। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर रख दिया। और ये एक टेबल यहाँ पर रखा है। अच्छा मैं आपको चीज़ें दिखाऊँ, बेगम मोबाइल पकड़ेगी, मैं चीज़ें दिखाऊंगा। मैं मोबाइल पकड़ूंगी, मैं नहीं दिखाऊंगा। नहीं मैं बताऊंगा ना ताकि मुझे पता है कौन कौन सी चीज़ है। वहाँ पे खड़ी हो जाओ साइड पर, मैं दिखा दूँगा। अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी ये गिफ्ट दिया जी, कांगड़ा नेत्र तो कर लो, ये गिफ्ट दिया जी एक हमारा मेरा दोस्त है, उसको पता चला है भाई सैल बास मेरे बेटे ने काम सीखा है हमाम का, तो उन्होंने बोला यार वो फारिग घूम रहा है तो उसको जो है ना चलो हाथ भी सीधा हो जाएगा, तो ये है भाई वो अपना मतलब कारीगरी भी नहीं भूलेगा, तो उसको जो है ना अपने घर पे ही मतलब सामान वगैरह रख के दे दो ताकि वो लोगों के साथ मतलब लोगों के बाल वगैरह जो है वो काटता रहेगा। तो उसने मैं आपको बता दूँ उसने हमाम का काम सीखा, मतलब नाइयों वाला काम सीखा है ना, तो ये उसके लिए उन्होंने मशीन लेकर दी है। और ये मशीन माशाल्लाह सिर्फ ये एक मशीन जो है ना ये 4500 की आई है, तो ये है मशीन और इसको बाद में चला के आपको दिखाएंगे। और उसके बाद जो है ये मग है और उसके अलावा ये टिशू वगैरह, ये वो शेविंग का पता नहीं क्या होता है ये मुझे नहीं पता इसका, ये मतलब शेव करने के बाद जो ऊपर वो लगाते हैं, उसके बाद ये शेव करने से पहले जो है मतलब वो जेल वगैरह जो लगाते हैं वो है, ये कुछ पाउडर है, ये वो है शावर का मैंने कहा बोतल अपने पास होती है वो लगाते हैं इसके साथ, उसके बाद ये है जी तौलिया वगैरह, और उसके अलावा ये वो जो कपड़ा ऊपर वो डालते हैं। और शीशा वो बड़ा पूछा था वो बहुत ज़्यादा महंगा था, तो उन्होंने कहा ये मैं सोचती हूँ ना वो दूसरा जो कमरे में पड़ा है अपना वो उधर लगा देते हैं, ये छोटा है इधर लगा उधर लगा देते हैं, वो उधर लगा वो बड़ा है ना इसलिए मैं कह रही हूँ छोटा है ये। तो ये फिलहाल उन्होंने ये मतलब उन्होंने क्या कहा भाई आज गुजारा करना तो फिलहाल ये इसका कर लें ठीक है। और इसके अलावा ये तौलिया वगैरह है, और उसके अलावा ये कुछ मतलब सामान है मैं आपको दिखा दूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें है जी ये ब्रश है बाल काटने वाला, और उसके अलावा ये दो कैंची लेकर दी हैं महंगी वाली, और उसके अलावा दो ये उसरे महंगे वाला है कि एक थोड़ा सस्ते वाला है, उसके बाद ब्रश है और ये कुछ पता नहीं क्या बोलते बाल कटाई का, और ये कुछ शेविंग क्रीम है, चार कंघे हैं, और ये पाउडर है, और एक और भी पाउडर था कहीं एक और ये पड़ा ये पड़ा हुआ ये पाउडर वो है जो बालों पे लगाते हैं ठीक है। और ये ब्लेड वगैरह लेके दिए, और ये वो है जो मतलब के बाल वो काटते हैं तो साइड पे पाउडर वगैरह लगा दीजिए वो है, और एक ये है इसको बोलते हैं वो शेविंग का वो डब्बा वगैरह, और ये पाउडर है। तो उसके अलावा और क्या चीज़ें बस ये चीज़ें। तो ये आया जी गिफ्ट सैलबास के लिए, इसको यहाँ पे मैं फिट करके रखता हूँ क्योंकि सैलबास को अभी नहीं पता, देखा तो है उसने मुझे लेके आते हुए लेकिन उसको सही मतलब नहीं पता, तो फिलहाल इसको रखते हैं फिर उसके बाद उसका देखते हैं रिएक्शन वो क्या महसूस करता है वो फिर बाद में आपको दिखाता है, फिलहाल इसकी सेटिंग करते हैं। माशाल्लाह जी ये सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी हैं, और शीशा जो है वो हमारे पास जो पुराना पड़ा हुआ था वो यहाँ पर लगा दिया, नया शीशा जो है वो बाहर रखा है, सैलबास आ गया उसको देखते हैं भी क्या करते हैं। सैलबास कौन है
वालेकुम सलाम। साथ नहीं आए दांत क्यों कटे वाला क्यों है अंदर क्लीन कार्ड लिया ते आ इनकार है और आ क्लीन कार्ड के उधर रखे थे इतू कर सफाई ते मेरे बेटे का हमाम तैयार हो गया अभी दो मिनट में हमाम तैयार हो गया और साल बाद काबू हमाम पहले तो आपके आपके अबू की शेप कर उसके बाद लगा को और की करने इन लोगों ने भी करनी है इन लोगों के बाल बड़े बड़े और इन लोगों के भी बाल काटने हमाम तेरा तैयार हो गया हाँ जी ये देखे चेक करो बैठो ऊपर हाँ जी बता किस चीज की कमी है मैंने कहा बेटे को मैं ना स्पेशल सरप्राइज दूं मौलवी भी यहाँ बन जाएगा और नाई साथ मौलवी भी साथ नाई भी हाँ। सुना हाँ, ये मशीन पड़ी हुई है हैं सारी चीजें पूरी हैं और कुछ चीज चाहिए तो नहीं बता दे। पूरी फिलहाल पूरी है ये इसी में तूने अब पूरी मुकम्मल चीजें कोई रहती हैं वो पूरी करनी है पूरी दुकान की कुर्सियां मेज हर चीज बल्कि नीचे तौलिया पड़ी हैं वो निकालो तू तो कह रहा पूरी कहाँ से पूरी है ये निकालो ना निकाल के दिखाओ ये पाउडर अलग से मैं लेके आया था और वो पाउडर भी पड़ा हुआ तीन तौलिए ठीक है और एक ये कपड़ा देख हर चीज लगी हुई है हर चीज है ठीक है सुना अब तो इसी में तूने पूरी करनी है दुकान बनानी है मुकम्मल इसमें फालतू यहाँ पे कोई ना लड़के लेके आना है ना यहाँ पे कोई रश करना है और यहाँ पे तूने हाँ बस 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 ले ले आप अलग हो जाए ना फिर आप बनाते हैं चले माशाल्लाह जी जो होना था वो तो हो गया तो अब सैल बास की जिम्मेदारी है भाई इसको किस तरीके से निभाता है और इसमें क्या कुछ बचाता है और क्या कुछ करता है और बेगम जलेबी पड़ी हुई थी वो उसी का मुंह मीठा करवा रही चल करवा दे सबका मुंह मीठा करवा दो और अभी हमारे जो मेहमान हैं उनकी भी कॉल आ गई थी वो भी बस पहुंच गए तो उनको भी रिसीव करते हैं उनकी वीडियो वगैरह खैर नहीं बनानी और फिर भी उनको रिसीव करते हैं उसके बाद जो है ना उनको उनकी खातिरदारी करते हैं और ये थी जी आज की हमारी जो है ना हमारा गिफ्ट और हमारी अल्लाह पाक बरकत डाले मेरे सैल अब्बास की रोजी रोटी में अल्लाह पाक इसको तरक्की दे हमारी हमारी ढेर सारी तो बाकी उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।